आज हम बनाएंगे मटर पनीर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए फिर इसे फटाफट बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, 2 टेबल स्पून घी। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 तेज़पत्ते, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा। इसे अच्छे से भूने। तो खड़े मसाले हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन बारीक चॉप्ड करा हुआ, ये मैंने करीब 1 चम्मच लिया है। इसे अच्छे से भून लें। अब इसमें डालेंगे 1 प्याज, इसे मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था। इसे अच्छे से भूनें प्याज को। तो प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 टमाटर, जिसे मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। इसे भी भून लें अच्छे से। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से चलाते हुए भूनना है हमें इस तरह से। मसाला हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल ना छूट जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से भून चुका है मसाला। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए मटर के दाने। अब हम डालेंगे 1/2 कप पानी। इसे हमें अच्छे से गरम करना है पानी को। तो ये देखिए, अच्छे से ये गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर कट करे हुए। तो पनीर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कट किए हैं। आप चाहें तो इन्हें और कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसे करीब 5 मिनट तक पकने दें। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मटर पनीर हमारा रेडी है। इसे धीरे से पलटें इस तरह से। अब इसमें डालें 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, ऊपर से थोड़ा सा क्रश कर लें इसे। अब डालें हरा धनिया। तो मटर पनीर हमारा रेडी है। गैस का फ्लेम बंद कर दें, इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।